समय में जब फोर लेन और हमारा फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा, मुझे लगता है इस रोड पे ट्रैफिक कम होगी। फिर भी इस चौक को अच्छा करना है शहर का, और आने वाले समय में जिस तरह पूरे शहर को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जा रहे हैं, इस क्षेत्र को भी हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया स्मार्ट हो। इसके बाद ऊपर घोड़ा मोड़ है, उस रोडरी को भी हम अच्छा करना चाहते हैं। उसका भी ड्राइंग बनाने के लिए दी हुई है, ताकि 72 सालों में जो काम नहीं हुए हैं
आज स्मार्ट सिटी में हम लोग जा रहे हैं, एक एक रोटरी, एक एक चौक, एक एक रोड को हम कैसे अच्छा और बढ़िया कर सकते हैं उसकी तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़ा भाग्य है कि आज जो CEO है स्मार्ट सिटी की वो हमारी कमिश्नर है, जो एडिशनल CEO है वो भी हमारा जॉइंट कमिश्नर है, उसके अलावा और भी जो स्टाफ है डिपकॉम साहब जहाँ उसके चेयरमैन हैं वो डिपकॉम साहब खुद डे एंड नाइट सारे मेहनत कर रहे हैं। कल वो भारतपुरा में गए हुए थे, हरियाणा बेडलैंड भी उन्होंने देखी है, एक एक प्रोजेक्ट जम्मू शहर का कैसे बढ़िया हो सकता है, जो रुके हुए हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम जल्द से जल्द, चाहे जम्मू जू है, चाहे एडमिशन ले गए, चाहे तमिल रिवर फंड है, चाहे गंडोले का दूसरा फेज है, वो जल्द हम जम्मू शहर को, ये एक लोगों की धारणा बनेगी ना लेक बनेगी ना ये बनेगा, मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू वासियों से ये कह रहा हूँ कि आने वाला जो 22 मार्च आएगा उससे पहले पहले जम्मू कश्मीर का नक्शा ही हम लोग बदल देंगे। हम लोग के हमारे LC साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, मैं ये जहाँ तक कहता हूँ जितनी डेवलपमेंट आज जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है यूटी के अंदर, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है। काम होने में धीरे धीरे जितना एक साल और लगेगा, बट एटलीस्ट हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये बहुत